He's never fought us united. It's time to stand, fight. The time. Studios Justice League के टाइटल नेम को बदलेंगे? आखिर क्यों जैक स्नाइडर ने पिछली जस्टिस लीग से एक भी सीन ना लेने का फैसला किया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जैक स्नाइडर द्वारा तैयार किए गए जस्टिस लीग के ऑफिशियल रिक्रिएशन की, जो कि बेहद डिमांड में है, क्योंकि ऑडियंस को वेदो द्वारा तैयार की गई जस्टिस लीग खास पसंद नहीं आई है और वो व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा नीचे थी। और उसी के चलते जैक स्नाइडर ने ये वादा किया है अपने फैन से कि वो वेदों की जस्टिस लीग के एक भी फुटेज का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक कि जैक स्नाइडर को वेदों के जस्टिस लीग कट से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उन्होंने अभी तक उस मूवी को देखा भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो मूवी की सीडी को जलाना पसंद करेंगे देखने के बजाय, और यही वजह है कि वेदों की मूवी से जैक स्नाइडर एक भी सीन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वेदों ने उनके अब तक के सबसे शानदार काम को बस पाइल ऑफ क्रैप बनाकर रख दिया था। जस्टिस लीग के आए वर्जन को अभी तक DCEU ने कोई भी नाम नहीं दिया है या किसी भी तरह का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मूवी क्रू इस मूवी को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के नाम से पुकारती है। लेकिन ये बात तो ऑब्वियस ही है कि स्टूडियो मूवीज को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग तो बिल्कुल नहीं कहने वाली है, जहाँ तक स्टूडियो का सवाल है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शायद उनके एक लीगल बैटल लड़नी होगी मूवी DC कॉमिक्स और जस्टिस लीग मूवी के क्रिएटर्स के साथ, और शायद स्टूडियो मूवी टाइटल को बदलना जरूर चाहेगी, क्योंकि अभी की रिसेंटली उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग से राहत मिली है जिसमें वो इन्वॉल्व थे अपने सुपर हीरो सुपरमैन को लेकर। वो एक केस में इन्वॉल्व थे, वो भी एक्चुअल सुपरमैन मूवी के क्रिएटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, जिस वजह से वो ऐसे ही एक और केस में नहीं जाना चाहेंगे, और शायद इसी वजह से वो नाम को सेम रखना तो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। मूवी के बारे में एक बहुत बड़ा रूमर था कि मूवी में शायद ग्रीन लैंटर्न भी हो सकते हैं, जिसके बारे में डायरेक्टली ना ही रायन रेनल्स ना ने बताया और ना ही जैक स्नाइडर ने। लेकिन मूवी के सिनेमाटोग्राफर फैबियन का कहना है कि मूवी में काफी ऐसे सीन्स हैं जो एक हिस्ट्री लेसन बनेंगे नर्ड्स और गीक्स के लिए, यानी कि ग्रीन लैंटर्न मूवी के लिए पूरी तरह कंफर्म ही है और अपीयरेंस जरूर होगी इनकी। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी जरूर करना। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है अभिषेक।